हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया वाक्य सेंटेंस लेके आई हूँ, जिसका नाम है प्रश्नवाचक वाक्य। रचना में जैसे मिश्रित मिश्रित वाक्य होते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिसलेंशियस। प्रश्नवाचक रचना को अब व्हाट, वेयर आदि शब्दों के साथ इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, सेड, वुड, शुड आदि क्रियाओं को भी दोहरा लेते हैं। इन क्रियाओं के प्रयोग से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। यह बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो, हमारा आज का पहला सेंटेंस है प्रश्नवाचक में मिश्रित वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो पहला वाक्य हमारा, क्या हुआ? हम किसी से बोलते हैं क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड, व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। दूसरा हमारा सेंटेंस है, क्या आपने मुझे बुलाया था? क्या आपने मुझे बुलाया था? तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, हैड यू आस्क इट फॉर मी, हैड यू आस्क इट फॉर मी। मैं जाऊं, तीसरा हमारा सेंटेंस है, मैं जाऊं, मैं आई गो। आगे हमारा है, मैं भी चलूं। कोई जाता है तो कभी कभी हम भी कह रहे थे कि मैं भी चलूं साथ में, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, मैं आई अकम्पनी यू। आगे है, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। आगे, मैं लाऊं, शुड आई ब्रिंग इट, शुड आई ब्रिंग इट, मैं लाऊं। आगे हमारा वाक्य है, मिजाज, कैसे हैं आप, कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, समझे, समझे, डिड यू अंडरस्टैंड, या अंडरस्टैंड। आगे है, क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब। आगे है, क्या साहब अंदर हैं, क्या साहब अंदर हैं। जैसे हम किसी सरकारी दफ्तर या ऑफिस में जाते हैं तो हम पूछते हैं, क्या साहब अंदर हैं। इज द बॉस इन, इज द बॉस इन। कौन है, हु इज इट। क्या है, व्हाट्स द मदर, व्हाट्स द मैटर, क्या है। निदेश क्या है, निदेश कहाँ है। वेयर इज निदेश, कब आए, कब आए, हम बोलते हैं ना कब आए। When did you come? When did you come? कब आए। शुरू करें, Do shall we begin? एक काम करोगे, एक काम करोगे, इसको हम बोलेंगे Will you do one thing? Will you do one thing? क्या आज छुट्टी है,
जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आज तुम काम पे नहीं जा रहे, क्या आज छुट्टी है? इज इट ए हॉलीडे टुडे? इट इज ए हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है? तुम्हें मालूम है? डू यू नो? तुम्हें मालूम है? तुम जाओगे नहीं? तुम जाओगे नहीं? वंट यू गो? वट यू गो? आप नाराज हैं क्या? आप नाराज हैं क्या? आर यू एग्री? आर यू एग्री? आप नाराज हैं क्या? क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? व्हाट्स द ट्रबल? ट्रबल मीन्स गड़बड़। बाल बच्चे अच्छे हैं ना? हाउ इज द फैमिली? मैं आपकी क्या सेवा करूं? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हम अब कहां पर हैं? वेयर आर वी नाउ? वेयर आर वी नाउ? हम कहां पर हैं? कैसे तकलीफ की? व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर? कैसे तकलीफ की? क्या उसके पास कार है? हैज ही गोट ए कार? अगला हमारा सेंटेंस है, आपको मुझसे कुछ काम है? Have you any business with me? कौन आ रहा है? जैसे मम्मी या पापा बोलते हैं ना कि घर को अच्छे से सफाई कर लो, कोई आ रहा है तो बोलते हैं ना, हम पूछते हैं कौन आ रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हुज कमिंग? कौन आ रहा है? रात के भोजन में क्या क्या है? जिस मेहमान आते पूछ लेते रात के भोजन में क्या है या नहीं, बता दो, मैं ला के रख देता हूँ ताकि जब मेहमान आए तो कोई परेशानी ना आए, हम बना ले खाना। तो रात के भोजन में क्या क्या है? व्हाट्स द मेनू फॉर डिनर? यह किसका टेलीफोन नंबर है? जैसे टेबल पे किसी का नंबर लिख के छोड़ देते हैं,
तो हम एकदम से देखते हैं तो पूछते हैं ना, ये किसका टेलीफोन नंबर है या फोन नंबर है, तो बोलेंगे उसको हुज टेलीफोन नंबर इज दिस, हुज टेलीफोन नंबर इज दिस, हम कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ पर मिलेंगे, वेयर शैल वी मीट, वेयर शैल वी मीट, तुम वापस कैसे आ गए हो, तुम वापस कैसे आ गए हो, हाउ हैव यू कम, हाउ हैव यू कम बैक, तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई हैव यू ड्रॉप योर स्टूडेंट, व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टूडेंट स्टडीज, अब आपकी माँ का क्या हाल है, अब आपकी माँ का क्या हाल है, हम पूछते हैं ना किसी, जैसे पड़ोस में किसी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है या फ्रेंड की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो हम पूछते हैं अब आपकी माँ का क्या हाल है, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज योर मदर नाउ, हाउ इज योर मदर नाउ, अब आपकी माँ का क्या हाल है। अगला हमारा सेंटेंस है आप कैसे हो, आप कैसे हो, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, जैसे हम कहीं गोवा चले गए घूमने, कहीं और कहीं किसी और जगह चले गए घूमने, तो हम पूछते हैं ना कि वहाँ का होटल कैसा है, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, विच यू द बेस्ट होटल हियर, विच इज द बेस्ट होटल हियर, यह कौन है, यह कौन है, हु दिस, यह कौन है, वागिस कहाँ है, किसी का नाम है हम पूछ रहे हैं वागिस कहाँ है, वेयर इज वागिस, क्या खबर है आज के न्यूज़पेपर में, क्या खबर है, क्या खबर है, हम पूछते हैं ना क्या खबर है, व्हाट्स द न्यूज, व्हाट्स द न्यूज, व्हाट्स द न्यूज, अब फिर भेंट कब होगी, अब फिर भेंट कब होगी, When shall we meet again? When shall we meet again? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? या आपकी उम्र क्या है? तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे How old are you? How old are you? तुम्हारी उम्र क्या है? इस कोट में कितना खर्च पड़ा है? या इस कोट में क्या लागत
या इस कोट पर क्या लागत लगी है? How much did this coat cost you? How much did this cost you? Cost का मतलब लागत, पैसा, कितना लगा? कोट को बनवाने में खूब पैसे लग जाते हैं, तो वही हम पूछ रहे हैं कि इस कोट में कितना खर्च पड़ा है, या इस कोट को बनवाने पर क्या लागत है। तो हाउ मच डिड दिस कोट कॉस्ट यू? आप यहाँ कब से हैं? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह मेरी वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।